दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा रिजल्ट के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जनपदवार जो है आपका रिजल्ट निकलना शुरू हो चुका है। जो आपकी 300+ पोस्ट थी इसकी वेटिंग लिस्ट आपका आना शुरू हो चुका है। बागेश्वर की और बाकी जो आपके उत्तरकाशी का है, उधम सिंह नगर का है, अल्मोड़ा का है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कल एक आपने न्यूज़ देखी होगी मेरे चैनल पर ही, 50% को लेकर उस पर कुछ लोगों ने जो है कमेंट किए थे, जनरल वाले होंगे वो। तो क्या ये जनरल वालों पर जो है रूल लागू होगा या नहीं, इसको लेकर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था। जबकि जो केस किया था ना, वो जनरल वाले कोई पाठक थे, नीतू या नीलू जो भी था, उन्होंने केस किया था। तो इनकी जो है सुनवाई पूछ रहे थे कि इनके साथ ही होनी थी क्या, यहाँ पर जनरल वालों को 50% में छूट मिलेगी। मतलब कि 50% वालों को लेकर जो मामला था, कन्फ्यूजन था उसमें कई लोगों को, तो मैं वो वही डाउट क्लियर कर रहा हूँ। पहले तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि OBC SC ST PH वालों को यहाँ पर जो है 5% जो है छूट मिलेगी। ये हर जगह होता है, कोई भी भर्ती हो, DLED हो, BEd हो, आपके यहाँ पर UTET CTET जो भी हो, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि स्नातक में 5% की छूट रहती है। लेकिन प्राइमरी लेवल की जब नियमावली बनी थी आपकी 2018 वाली, काफ़ी पुरानी है, उसमें जो है ओनली जो है स्नातक लिखा गया था। परसेंट कमी को लेकर कहीं भी आपको नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिलेगा प्राइमरी लेवल की जो नियमावली बनी हुई है। और उसी को जो है यहाँ पर, क्योंकि उसमें नियमावली था नहीं तो सभी लोग 50% ले रहे थे, कई लोग को 50% नहीं थे तो उनको बाहर कर दे रहे थे विभाग वाले, ऐसा उनका रूल चल रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पर किसी ने केस किया, और जिसने भी केस किया सही किया, क्योंकि 5% जो है ये रूल रेगुलेशन के अनुसार है, ये हर जगह मिलता है। DSSSB भी आप चेक कर लेना, वहाँ पर भी 5% का छूट मिलेगा। जितने भी आपके सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल होते, 5% जो है इन कैटेगरीज में आपको दिया जाता है। लेकिन जनरल को कभी भी 5% जो आरक्षण यहाँ पर नहीं मिला है, ये साफ क्लियर आपको बता रहा हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पर जो है जनरल को 5% जो है कहीं पर भी जो है अधिकतर आरक्षण यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसीलिए जो कोर्ट का फैसला आया है वो OBC SC ST और PH वालों को लेकर आया है। इन्हीं पर जो है यहाँ पर कहा गया है कि 5% का कम अगर है आपके पास स्नातक में, तो जैसे 50% मांगा है ना स्नातक में, तो 5% कम कर लीजिए 45%, तो 45% में जो है आपका यहाँ पर लिया जाएगा। अगर 45 से कम है, आप किसी भी कैटेगरी में आओ, फिर आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा। ये साफ और स्पष्ट बात है, जो कि विभाग की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और उसके साथ साथ नियमावली है, उनके विरुद्ध होगा 45% से अगर कम होगा तो, जो SC ST OBC वाले हैं, ठीक है। बाकी 45% वाले अब इसके लिए एलिजिबिलिटी हैं, जिनका यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई थी। कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था, कई लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, जैसे व्हाट्सएप में है या टेलीग्राम में है, कई लोग बता देते हैं, कई लोग नहीं बताते। कई लोग जो है उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो छोड़ के चले जाते हैं, लेफ्ट कर देते हैं ग्रुप को, बताते भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। कई लोग थे जिनका यहाँ पर नियुक्ति रुकी हुई थी, सिलेक्शन हो गया उनका लेकिन नियुक्ति रुकी है। कई लोग मेरे पास थे यहाँ पे, तो कमेंट भी आप देखने ना, मोड़ने वाले वीडियो में भी एक आध लोगों ने कमेंट कर रखा है, बाकी पर्सनली मुझे कमेंट भी किया हुआ है, ठीक है। तो उनकी अब जो है नियमावली में जो है चेंजेस कर दिया गया है, 5% का यहाँ पर आरक्षण दे दिया गया है। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, उनका जो चयन प्रक्रिया रुका हुआ था, उनको जो है चयन प्रक्रिया यहाँ पर दे दी जाएगी। जो लोग कमेंट कर रहे थे जनरल वालों को लेकर, जनरल वालों को लेकर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है वो इस भी नियमावली में, क्योंकि NCT का हवाला दिया है कोर्ट ने। अगर अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना, उसका PDF जो मैं जो उसका पेज पढ़ोगे, तो NCT का हवाला दिया है। क्योंकि NCT में आपको पता है कि NCT CTET करता ही है, क्या करता है कि वहाँ पर जो है 5% आरक्षण मिलता है SC ST OBC को, हर जगह लिखता है वो, तो जनरल को छूट नहीं मिलती, इसी वजह से जनरल को नहीं मिलेगा, ठीक है। जो कन्फ्यूजन हो रहे थे उनको नहीं मिलता है, कहीं पर भी नहीं मिलता है उसको, वो नियमावली में है ही नहीं कहीं पर भी, ऑल इंडिया में या ऑल जब, हाँ कोई स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर, कोई स्टेट लेवल तो कोई मतलब नहीं होता है वैसे ज़्यादा, सेंट्रल अगर बनता है तो स्टेट लागू करता है, या चाहे तो स्पेशल स्टेट भी कर सकता है वैसे लागू, वो अलग बात है, उसमें बहुत प्रावधान होते हैं, वो बाद की बात है। और फिलहाल जो है जनरल वालों को जो है छूट नहीं मिलेगी, कई लोग पूछे थे। और जिनका यहाँ पर जो है आपको कल PDF नहीं मिला था ना, जो आपके जैसे कि आपको अपना रिजल्ट का आपको देखना है, अल्मोड़ा जनपद का है, कई लोग का सिलेक्शन यहाँ पर हो रखा है अल्मोड़ा जनपद में। और क्योंकि अब देखिए दोस्तों, लगभग जो है 5वीं लिस्ट है अल्मोड़ा जनपद की, एक और लिस्ट आएगी उसके बाद मेरे ख्याल से आना बंद हो जाएगा, क्योंकि लास्ट और फाइनल होगी 6ठी लिस्ट, उसमें काफ़ी कम लोगों का नाम होगा। जितने लोगों का नाम आ चुके हैं लगभग जो है 2010-11 भी दिख रहे हैं मेरे को, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। इसका PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे दो PDF, एक आपका होगा उत्तरकाशी वाला होगा और दूसरा होगा आपका 5वां लिस्ट यहाँ पर अल्मोड़ा का होगा, मेरे ख्याल से उत्तरकाशी का ही शायद है। कल दो निकले थे ना, दो उन्हीं का है PDF, ठीक है। जो कल दो निकले थे, जो मैंने दो वीडियोज़ बनाए होंगे, PDF नहीं दिया था मैंने आपको, वो आज PDF यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे, दोनों को दोनों PDF वहाँ पर से डाउनलोड कर लेना और अच्छे से जो है अपना अपना चेक कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आप अपना जो काउंसलिंग है जिस दिन आपका है उस दिन आप जा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जिनका लगता है कि यार मेरा नाम आना चाहिए था, नहीं आया है मेरा, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, सीधे सीधे जो है जिस दिन आपकी काउंसलिंग है अपना डॉक्यूमेंट लेके
सारे ओरिजिनल लेके विभाग पर तुरंत वहीं पर पहुँच जाओ और बताइए उनको कि यहाँ आपने जो रिजल्ट में गड़बड़ी कर रखी है और हमारा सिलेक्शन होना था नहीं हो रखा है, लिस्ट में नाम नहीं रखा है, तो वो उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे, वो आपका सिलेक्शन कर देंगे अगर योग्य पाएंगे जाएंगे तो। अगर सब कुछ सही रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, अगर उनको लगेगा कि हाँ सही है आप क्वालिफाई हो और हमने आपको बाहर किया था, अगर वो अपनी गलती मानते हैं तो आपको रखा जाएगा, वो चेक हो जाएगा और वहीं पर जो है आपका उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। तो इस तरह की अपडेट है, बताइए बाकी जो 50% को लेकर कन्फ्यूजन था वो आई होप क्लियर हो चुका होगा। और जिनकी नियुक्ति नहीं मिली लेकिन 50% को लेकर बहुत सारे लोग हैं मेरे पास कमेंट कई लोगों के आए थे, तो उनका जो है नियुक्ति पत्र आप जल्दी मिलेगा क्योंकि आदेश जो है कल पारित हो गए हैं, तो आगे जो वेटिंग में हैं तो उनका डेफिनेटली अब आपका आज जाएगा जल्द। ठीक है, फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।